कोरोना संकट में लोगों की मदद को सिरोही जिले के कई भामाशाह आगे आ रहे हैं। गांव से लेकर शहरों तक भामाशाह जरूरतमंदों के लिए भोजन सामग्री तैयार करवा रहे हैं। इसके तहत जिला जैन समाज ने 25 लाख रुपए की राशि से 5000 राशन सामग्री किट बनवाए, जिसे जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और विधायक सहम लोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर लोगों तक पहुँचाने के लिए रवाना किया। ये सही है कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के साथ साथ प्रवासी राजस्थानी और प्रवासी भारतीय सभी का सहयोग इस विपदा से लड़ने में प्राप्त हो रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी भामाशाह बाबूलाल जी भंसाली ने उपलब्ध करवाए हैं, विजेंद्र जी चौधरी और सुधीर जी जैन ने उपलब्ध करवाए हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। राजस्थानी फाउंडेशन की ओर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 90 के करीब उपलब्ध जिले को करवाए गए हैं। और भी भामाशाह प्रेरित हुए हैं जिन्होंने कॉन्सेंट्रेटर सिलेंडर इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। विपदा के समय काफ़ी बड़ी मात्रा में भामाशाह आगे आए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट को सप्लाई को लेकर हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को देने को लेकर हो। तो सिरोही जिले में हर आपदा में जो पिछला रिकॉर्ड है, चाहे वो 2017 की बाढ़ का हो, कोरोना का फर्स्ट दौर हो, लोगों को भोजन सामग्री पहुँचानी हो, या कोरोना के सेकेंड दौर में भी लोगों ने भोजन सामग्री पहुँचाने के लिए काफ़ी योगदान दिया है, और इस दौर में खास करके ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो भामाशाहों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। श्री बाबूलाल जी भंसाली जी ने 3 प्लांट सिरोही को दिए हैं, तीनों पे काम चल रहा है। उसके अलावा अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट ने एक एक प्लांट दिया है, उस पे काम चल रहा है, और वेलकम इंडस्ट्री ने भी एक प्लांट दिया है, उस पे काम चल रहा है। 93 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अभी तक दानदाताओं की तरफ से, भामाशाहों की तरफ से सिरोही को मिले हैं, जो अलग अलग CAC PAC पर रखवाए हैं।